हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत जून 2020 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, लेट टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर बी अ लीनियर ऑपरेटर विथ मैट्रिक्स हुज इंटीजर्स आर 7, 1, -1, -1। यूज केली हैमिल्टन थ्योरम टू चेक वेदर टी इज इन्वर्टिबल और नॉट। इफ टी इज इन्वर्टिबल ऑब्टेन टी इनवर्स एक्स वाई, फोर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। इफ टी इज नॉट इन्वर्टिबल ऑब्टेन द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ टी। तो यहाँ पर हम उस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं, दिए गए मैट्रिक्स को, ठीक है। लेट ए इज इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ टी आई माइनस ए इज इक्वल टू टी आई माइनस ए का वैल्यू हमें इस रूप में प्राप्त होगा, इस मैट्रिक्स के रूप में। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमें यह क्या प्राप्त हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे टी माइनस सेवन इंटू टी प्लस वन, फिर माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू टी इंटू टी प्लस वन, माइनस सेवन इंटू टी प्लस वन, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू यहाँ पर, ठीक है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी माइनस सिक्स, ओके। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, माइनस सिक्स है। तो चूंकि यह माइनस सिक्स है, जीरो नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह लीनियर ऑपरेटर जो है क्या, इन्वर्टिबल है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, सिंस कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज माइनस सिक्स विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर टी इज इन्वर्टिबल, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पर टी इनवर्स पता करने के लिए केली हैमिल्टन थ्योरम का ही सहारा लेंगे। लिखेंगे, लेट एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस सिक्स टी माइनस सिक्स। नाउ बाय केली हैमिल्टन थ्योरम, टी की जगह यदि हम ए पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए माइनस सिक्स आई इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद इट इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए इज इक्वल टू सिक्स आई। इट इम्प्लाइज दैट यहाँ ए कॉमन निकालेंगे तो ए माइनस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स आई। इट इम्प्लाइज दैट वन बाई सिक्स, सिक्स इधर आएगा तो वन बाई सिक्स ए इंटू ए माइनस सिक्स आई, ठीक है। यहाँ पर आई आ जाएगा इज इक्वल टू आई। फिर यह इट इम्प्लाइज दैट वन बाई सिक्स, ठीक है, ए माइनस सिक्स आई इज इक्वल टू, इस ए को हम राइट साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स के रूप में, यहाँ ए इनवर्स आई। इट इम्प्लाइज दैट वन बाई सिक्स इंटू ए माइनस सिक्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स आई, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ही होगा। अब इट इम्प्लाइज दैट वन बाई सिक्स, मैट्रिक्स ए को लिख लेंगे, फिर माइनस सिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स। इट इम्प्लाइज दैट वन बाई सिक्स, अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस तरह से हमें इंट्रीज मिलेंगे, ओके, ठीक है, इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो इट इम्प्लाइज दैट वन बाई सिक्स, अब इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एलिमेंट के रूप में वन वन माइनस वन माइनस सेवन इज इक्वल टू ए इनवर्स, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाई सिक्स, ठीक है। वन वन माइनस वन माइनस सेवन इज इक्वल टू वन बाई सिक्स, चारों इंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वन बाई सिक्स माइनस वन बाई सिक्स माइनस सेवन बाई सिक्स मिलेगा एलिमेंट के रूप में। सो टी इनवर्स फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर डिफाइंड एज टी इनवर्स एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वन बाई सिक्स एक्स प्लस वन बाई सिक्स वाई कॉमा माइनस वन बाई सिक्स एक्स माइनस सेवन बाई सिक्स वाई। इस तरह से हम टी इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।